हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ राजेश फ्रॉम देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फर्स्ट क्लास यमी चॉकलेट केक, नॉट इन ओवन, इन कढ़ाई, और कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, बस थोड़े से सामान से ही फर्स्ट क्लास फ्लफी स्पॉन्ज चॉकलेट केक। और ये मैं बनाने जा रहा हूँ आटे से, ना कि मैदे से। और आटा मैंने जो लिया है ये 1 कप लिया है, चीनी मैंने 1.25 कप ली है, और ये 1 कप मैंने दूध लिया है, और मैंने ये 10 चम्मच ये मैंने ऑयल लिया है, और मैं ये लेमन लिया है बटर मिल्क बनाने के लिए, और मैं इसमें से कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर भी लूँगा, कॉफ़ी पाउडर का एक छोटा पाउच ले लूँगा मैं, और मैं इसमें डालूँगा इमल्सिफिकेशन के लिए 1 पूरा चम्मच बेकिंग पाउडर, ये वाला स्पून मैं पूरा लूँगा बेकिंग पाउडर का, और इसका 1/2 स्पून लूँगा मैं इसके लिए सोडा बाइकार्ब के लिए, फॉर इसकी इमल्सिफिकेशन के लिए। और इस दूध से और इस नींबू से मैं बनाऊंगा बटर मिल्क, क्योंकि मैं अंडा यूज़ नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं अब सबसे पहले आपके सामने बटर मिल्क बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये मैंने दूध कटोरी में ले लिया है, और अब मैं इसमें ये 1/2 नींबू निचोड़ दूंगा, और इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगा ताकि ये हल्का सा कर्डल हो जाए। दोस्तों, इस तरीके से ये बटर मिल्क बन जाएगा। और जब हम लोग अंडा यूज़ नहीं करते हैं तो हम इस तरीके से दूध का बटर मिल्क बना के यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ये सेट होता है मैं आपसे मिलता हूँ। अब दोस्तों, अगला स्टेप ये है कि जो मैंने छलनी के अंदर में ये मैंने आटा डाल लिया है, और इसके ऊपर मैंने कॉफ़ी पाउडर डाल लिया है, और अब इसमें मैं डालूँगा 1 पिंच ऑफ सॉल्ट भी डालूँगा, और मैं 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर में ये कोको पाउडर डालने जा रहा हूँ, और ये 2 टेबल स्पून मैंने कोको के डाले हैं इसमें। और दोस्तों, 1 चम्मच मेरा पूरा जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, बट ध्यान रखिएगा लेवल करके डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल लेवल। ये लेवल करके एक ये डालना है, और 1/2 चम्मच सिर्फ ये बेकिंग सोडा डालना है। और दोस्तों, अब इसको अच्छे से छानना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए। अगर हम ऐसे छान के नहीं डालेंगे तो क्या होगा, केक कहीं से ऊपर ऊपर हो जाएगा, कहीं से नीचे हो जाए, नहीं कहीं से ज़्यादा फूल जाएगा, कहीं से कम फूल जाएगा। तो बस इसको अच्छे से छान लेना है, और बस इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैं आपसे मिलता हूँ इसको छान के। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा बेसिक आटा, कॉफ़ी, कोको पाउडर, ये सब मैंने छान के रख लिया। हल्का सा इसमें मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, और मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई के अंदर में ऑलरेडी इसको मैंने प्रीहीट पे रख दिया है, और पर इसके अंदर में मैं कोई सॉल्ट वगैरह का बैड नहीं डाल रहा हूँ आज, मैं इसको डायरेक्ट इसी में पकाऊँगा। तो दोस्तों, अब मैं आ रहा हूँ अगले प्रोसेस पे। अब इसके अंदर में मैं डालने जा रहा हूँ ये चीनी, और तो दोस्तों, ये मेरा बेसिक आटा, नमक, कोको पाउडर और कॉफ़ी पाउडर जिसको मैंने छान लिया है, ये मैंने रख लिया है साइड पे, और जो मैंने ये ऑलमोस्ट 1/4 कटोरी चीनी ली है। दोस्तों, चीनी कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, थोड़ा कम चीनी यहाँ पर पसंद कर रहे हैं तो मैंने इसको 1/4 बॉल के लगभग चीनी ली है, सॉरी फॉर माई फंबल। और इसके अंदर वैसे देखा जाए तो रेशा होती है 1:1:1 की, तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप चीनी ली है, और ये मैंने 10 चम्मच टीस्पून ये वाला स्पून के मैंने ऑयल के लिए हैं। तो मैं अब इनको इकट्ठा मिला लूँगा, और मैं अब इनको बीट करना शुरू करूँगा। तो इनको बीट करके मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों, वैसे तो चीनी पीस के भी ले सकते हैं, परंतु मैंने साबुती ले ली है। अब ये जो बटर मिल्क मैंने रखा था, ये देखिए, ये नींबू डालने की वजह से हल्का सा कर्डल हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालता जाऊंगा और मिक्स करता जाऊंगा, और ये चीनी भी घुलती चली जाएगी, ये देखिए। और दोस्तों, जब भी हम बिना अंडे के बनाएं तो हम इस तरह से ही इसको इमल्सिफाई करते हैं, और अब चीनी भी साथ साथ घुलती चली जाएगी। और दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है सब रूम टेम्परेचर पे हैं, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं लेनी है। देखिए, बिल्कुल
एकदम आइसिंग की तरह होना शुरू हो गया ना। और दोस्तों मैं नीचे कपड़ा रख लेता हूँ ताकि ये चीज़ खिसके ना। तो बस इसी तरह से बटर मिल्क मिलाते मिलाते इसको बीट करते चले जाना है ताकि इसमें एयर इंजेक्ट होती चली जाए, और जितना अच्छे से बीट करेंगे उतना ही हमारा केक भी फ्लफी बनेगा। ये देखिए, तो बस मैं इसको बीट करके आपसे मिलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मिक्स करते करते जितनी भी चीनी मैंने साबुत डाली थी वो भी साथ साथ घुल गई है, और अब इसके अंदर में मैं ये जो बेस बना के रखा था आटे का वो डालूँगा, और साथ में ही मैं इसमें ये थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस डालने जा रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं ये वनीला एसेंस डालने जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं डालना वनीला एसेंस, क्योंकि मैं चॉकलेट बना रहा हूँ तो मैं चॉकलेट एसेंस की पावर को ज़्यादा रखने के लिए इसके अंदर में मैं चॉकलेट एसेंस ज़्यादा रखूँगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ ये चॉकलेट एसेंस। इसकी ज़्यादा बूंदे नहीं डालूँगा, 4-5 बूंदे डालूँगा मैं। और अब इसके साथ में ही मैं डाल दूंगा थोड़ा सा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस में ज़्यादा नहीं डालूंगा। तो दोस्तों बस इसको अब अच्छे से मिला देना है, और साथ ही साथ ये जिसके अंदर मैंने केक बनाना है उसके अंदर में मैंने हल्की सी ग्रीसिंग कर ली है, और मैं अब इसमें से आटा ही डालूंगा इसकी डस्टिंग के लिए भी। और ये इसको मैं अच्छे से इसमें पूरा लेयर कर दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और टिप है मेरी, जब भी आप केक बना रहे हैं जिस भी बर्तन में बना रहे हैं उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा रखना, पूरा मत भरना, क्योंकि नहीं तो केक उबल के बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने डस्टिंग कर ली है, और जो एक्स्ट्रा डस्टिंग है वो मैं इसको इस तरीके से झाड़ लूँगा, और जिस एंड तक आना चाहिए मैं वहाँ तक इसको ले जाऊँगा, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं वापस झाड़ लूँगा। अब दोस्तों ये तो तैयार हो गया, अब इसके अंदर में ये, अब दोस्तों ये मैंने जो ड्राई मिक्सचर बनाया था अब इसके अंदर में मैं ये थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करूँगा। एक साथ सारा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको मैं अब मिक्स करना शुरू करूँगा ताकि लम्स ना बने। और अब ये, और अभी ध्यान रखना दोस्तों, हमने बटर मिल्क भी इसमें डाला हुआ है, उसके उसी से इमल्सिफाई होना है, और अब इसको हमने धीरे धीरे मिक्स कर लेना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक रहे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों सारा ही लग जाए, देखते हैं, बस इसको मिलाते हैं और चलाते रहते हैं। तो लीजिए दोस्तों, जो मेरा मिक्सचर है वो मैंने तैयार कर लिया है। दोस्तों एक तो इसको लगातार विस्क करके भी लगा सकते हैं, और दूसरा इसको हम कट एंड फोल्ड भी करते हैं। तो ये दो मेथड है, और देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ये ऐसे रिबन जैसी होनी चाहिए, ये देखिए। और दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गया, इसके अंदर में मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, मैंने रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ किया है। तो बस अब मैंने जो ये पैन इसके लिए मैंने डस्ट करके तैयार रखा हुआ है, इसके अंदर में मैं इस मिक्सचर को पोर कर दूंगा, और जो मैंने ऑलरेडी कढ़ाई को प्री हीट पर रखा हुआ है उसके अंदर में मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा, और उसके बाद में उस कढ़ाई की जो हीट है उसको मैं बिल्कुल लो कर दूंगा, और उसके बाद में ऑलमोस्ट 35 मिनट के लिए इसको इसमें छोड़ दूंगा। तो दोस्तों मैं इसको इसमें पोर करके मिलता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, इस लिटिल शो टाइम, हम आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं, और अब ये सारा का सारा बैटर जो है मैं इस केक मोल्ड में शिफ्ट कर दूंगा, और उसके बाद में इसको मैं टैप कर दूंगा ताकि कोई भी एयर बबल हो तो वो सेटल हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा बैटर जो है केक का सारा मिक्सचर इसमें सेटल हो गया, और ये इसको हल्के से टैप कर लीजिए, और अब इसको जो हमने कढ़ाई प्री हीट के लिए रखी थी अब उसमें आराम से और बड़े ध्यान से इसको शिफ्ट कर देना है। तो मैं आपको मिलता हूँ इसको शिफ्ट करके। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा केक मोल्ड, इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है, नीचे मैंने सेपरेटर लगा लिया था, और अब मैं इसको ढकने जा रहा हूँ, और बिल्कुल आँच जो है मैंने बिल्कुल बिल्कुल ही लो कर दी है,
क्योंकि ऑलरेडी इस कढ़ाई को प्री हीट किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, साथ साथ ही प्री हीट हो रही थी। और अब मैं मिलता हूँ इसके बनते ही। एक और टिप है दोस्तों, जब ये केक बन रहा है तो बीच बीच में बार बार ढक्कन उठा के देखिएगा नहीं, उसमें क्या होगा कि केक जो है ना बैठ जाता है, जो भी इसके अंदर में जितनी भी हीट डेवलप हुई होती है, बनी होती है, जो भी एनवायरनमेंट अंदर बना होता है वो सारा का सारा एवोपरेट हो जाता है और उसके बाद में केक जो है ना बैठ जाता है। और दूसरा, जब भी आप इसके अंदर में केक रखेंगे तो प्लेसमेंट के टाइम में आपने ये ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल सीधा रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, नहीं तो केक भी टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा। तो बस इसके बनते ही मैं आपसे मिलता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा केक एकदम तैयार हो गया है और मैंने गैस बंद कर दिए। वर्ल्ड वाइड चेक करने का एक ही तरीका, जस्ट इंसर्ट अ नाइफ और एनीथिंग, देखिए बिल्कुल साफ। और अब इसको इसी की हीट में ठंडा होने देना है और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। लीजिए दोस्तों, ये मेरा चॉकलेट कॉफ़ी केक फर्स्ट क्लास तैयार, ठंडा हो गया है। अब मैं इसको थोड़े से आमंड डस्ट के साथ में और थोड़ा सा कोको पाउडर को मैं गनाश बना के इसको फिनिश करूँगा। बस मैं आपको इसके फिनिश के साथ में मिलता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा केक एकदम देखिए कैसा फर्स्ट क्लास तैयार हुआ है। और इसको मैंने थोड़ा सा आमंड को मैंने बहुत ज़्यादा फाइन तो नहीं किया, पर एक तरह का डस्ट बना दिया और मैंने उसी के साथ इसको स्प्रिंकल कर दिया। और इसके ऊपर में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सॉस डाला था ताकि ये जो मैंने आमंड डस्ट डाला है वो इसके साथ में थोड़ा सा स्टिक कर जाए। तो दोस्तों अब मैं मिलूँगा इसकी प्लेटिंग के साथ में। इसको सर्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इसके साथ में कैरमल सॉस ले सकते हैं, मालवा सॉस ले सकते हैं, चॉकलेट सॉस भी ले सकते हैं, कॉफ़ी सॉस भी ले सकते हैं। सो टोटली आपके ऊपर है कि आप अब इसको और कितना रिच करना चाहते हैं। तो बस जैसे इसकी स्लाइसिंग होती है मैं आपके साथ में इसकी प्लेटिंग भी शेयर करूँगा। तब तो लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज़ अ शो टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू कट द केक। देखिए कितना शानदार बाउंस बैक आ रहा है और एकदम फर्स्ट क्लास गोई बना है। और बस मैं आपको इसका पीस निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये और ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार फर्स्ट क्लास जालीदार बना है और कितना ही गुए बना है, कितना सॉफ्ट बना है बता नहीं सकता। और ये रहा मेरा केक। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा है चॉकलेट का पहाड़ बन गया हो और ऊपर से बादाम की बारिश हो रखी हो। दोस्तों बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए शेफ राजेश फ्रॉम देसी शेफ लिटरेचर से बाय।